और अभी वहां पे बैठ के मैं पूरा आर्टवर्क ड्रॉ कर रहा हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो गाइस यार बात ऐसा है ना, अभी हम लोग आए हैं निकोलस मॉल में, रांची का है, और बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले एक रैंडम पर्सन को चूज करेंगे जो ज्यादा मूवमेंट ना करे इधर उधर, और उनका मैं एक स्केच ड्रॉ करने वाला हूँ और उनका रिएक्शन कैप्चर करेंगे बेसिकली। तो काफी मजा आने वाला इस वीडियो में, और ये मैं फर्स्ट टाइम अपने यूट्यूब चैनल पे कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो पे अगर 1K लाइक आ गया तो समझ लेना कि यार आपका नेक्स्ट वीडियो भी इसी टॉपिक पे आएगा, रिएक्शन वाली वीडियो आएगी। स्केच में पूरा ये जो मॉल है ना इसी के अंदर मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। और अभी मेरे को नीचे जाना है यार, बेसिकली पहले रैंडम पर्सन को चूज करते हैं। तो गाइस यार बहुत ढूंढने के बाद एक रैंडम पर्सन को मैंने देखा यहाँ पे, देख सकते हो, जो कि काम कर रही है। और इनका मैं चुपके से लाइक मैं उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलने दिया कि यार मैं उनकी एक वीडियो शूट कर रहा हूँ छोटा सा। और ये देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा मूवमेंट कर रही, तो इनका डायरेक्टली यहाँ से स्केच करना इज़ नॉट पॉसिबल था, तो इसलिए मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करा। यहाँ पे मैं अब सेटअप वगैरह निकालूंगा। तो ये रहा पहले मेरा सीट, कुछ पेंसिल्स, हमारा सेटअप जिससे यार वीडियो शूट होगा, ये थोड़ा हिल सकता है और इससे मैं अभी वीडियो शूट करने वाला हूँ। और रिएक्शन के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कैसा रिएक्शन होगा। तो गाइस यार ये रहा मेरा सेटअप और ये रहा हमारा पेपर, और इसमें मैं अभी ड्रॉ करने वाला हूँ। ज़्यादा देर न करते हुए स्केच को ड्रॉ करते हैं। तो गाइस यार यहाँ पे ह्यूमन बॉडी को ड्रॉ करने के लिए देख सकते हो मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शेप देंगे। और यहाँ पे देख सकते हो मैं शेप दे रहा हूँ, बिल्कुल जो फेशियल स्ट्रक्चर है वहाँ पे ये दे रहा हूँ। तो ये देख सकते हो जो आउटलाइन होता है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम लोग अब शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे, और शेडिंग देख सकते हो मैं किस तरह से कर रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे करके अच्छे से रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके शेड कर रहा हूँ, और धीरे धीरे करके कंप्लीट होगा। तो देखते हैं कैसा होता है, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ रिजल्ट के लिए और रिव्यू के लिए। तो देख सकते हो मैं इसी तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये बिल्कुल अच्छे से लास्टली कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग भी देखो मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। और हाँ गाइस यार, जिस बेंच पे मैं ड्रॉ कर रहा था वो ज़्यादा ही कुछ हिल रहा था, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होगे, तो थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रहा था मेरे को, बट लास्टली मैं ये जो आर्टवर्क है वो कम्प्लीट कर लिया। सो फाइनली गाइस यार 2 घंटे वर्क करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, ये जो हमारा स्केच है वो होता है कंप्लीट। और अब चलते हैं रिव्यू के लिए। और जिनका मैं स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि यार मैं उनका स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उनका जो रिएक्शन होगा ना वो देखते हैं कैसा होता है। वीडियो शूट कर सकते हैं ना? हाँ। तो गाइस यार बात ऐसा है, यहाँ पे एक पहले शायद नहीं थे ये, और अभी न्यू खुला है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो डिश है ना, जो कौन कौन वैरायटी के हैं सारा पूछते हैं। तो गाइस यार यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो मैं थोड़ा फूड ब्लॉगर बनने का कोशिश कर रहा, क्योंकि यार स्टार्टिंग में जाके आप डायरेक्टली रिएक्शन वाला चीज़ नहीं कर सकते हो ना, थोड़ा मैं सोचा एक्सप्लोर करता हूँ, थोड़ा मेन्यू के बारे में जानता हूँ, तो ये चीज़ मेरा था। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे देखो क्या होता है। हम एक आर्टिस्ट हैं, स्केचिंग वगैरह ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे रैंडम पीपल का स्केच वगैरह ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली एक स्केच मैंने ड्रॉ करा है, ये मैम का मैंने ड्रॉ करा था, आपको पता भी नहीं होगा, लाइक मैंने कभी मतलब ऐसा कुछ किया, और ये स्केच है आपका। अच्छा या आपको कोई आइडिया नहीं होगा, लाइक ये रैंडमली मैंने कभी एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, अभी जस्ट मैं सुबह सुबह आया था, देन इनका एक वीडियो कैप्चर करा था, इनको नहीं पता चला होगा, और अभी वहाँ पे बैठ के मैं पूरा आर्टवर्क ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो गाइज यार यहाँ पे इन जनाब को जो मेरा स्केच है वो स्केच नहीं बल्कि इनको कंप्यूटराइज लग रहा था, और इनको स्केच पे बिलीव नहीं हो रहा था कि यार ये हाथों से बना हुआ है। ये आप काम कर रहे थे ना ऐसे करके, काम कर रहे थे तो उस समय का है। या बनाए हूँ, आप YouTube पे देख सकते हो, YouTube पे मेरा चैनल है, वहाँ पे वीडियो आएगा, आप देख लेना कैसे मैं बना रहा था सारा कुछ, वो वीडियो ही आएगा बनाते हुए। क्या नाम है? रजनीश स्केच आर्ट। जब तक लिंक नहीं दोगे तब तक कैसे आएगा? या तो आप हाँ ले लो, आप 74 बला 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 बला। तो स्केच कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, ये आपके लिए है। हाँ बिलीव नहीं हो रहा, बना हुआ है, पेंसिल स्केच है। आप मेरा चेहरा देख के ऐसा बना लिए? या किसी का भी चेहरा देख के बना लो? हाँ
बहुत वैरायटीज मिलते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई चाय पानी पूरी ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे और भी पाव भाजी वगैरह हो गया आपका स्पेशल वगैरह, और भी मोमोज सब सब कुछ आपको यहाँ पे जो भी है काफ़ी कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे आके जरूर एक बार ट्राई करना, और रिएक्शन यही था, रिएक्शन लेना था तो ये आपके लिए आप रख सकते हो इसको, ठीक है, और आप देख सकते हो यूट्यूब पे, जरूर आ जाएगा वीडियो, आज शाम तक आ जाएगा वीडियो। अब रैंडम बना रहा हूँ आपको, आपको पता भी नहीं चल रहा, तो एक रैंडम रिएक्शन चाहिए था मेरे को जो मिला, तो नहीं हियर ही ऑफर्ड मी पाव भाजी, बट गाइज यार उसमें मेरे को खाने का मूड नहीं था तो इसलिए मैं खाया नहीं, बट वो बहुत ज़्यादा बोले तो मैं एक सिर्फ टेस्ट करा भाजी को। वाओ, नेक्स्ट लेवल का टेस्ट है, मतलब बहुत बेहतरीन टेस्ट है, तो एक बार आप लोग यहाँ पे जरूर आके ट्राई करना, बहुत नेक्स्ट लेवल का टेस्ट है। ठीक है, अब यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, और आपको ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा जरूर बताना।